हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर शशांक गोयल एंड आज हम कंसल्ट करेंगे 40 to 60 डेज की एज के पपी में डाइट के बारे में। तो पेरेंट्स की सबसे कॉमन क्वेरी होती है कि पपी को डाइट में क्या देना है, पपी को हम डाइट में क्या क्या दे सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में देना है, कैसे देना है और कितनी बार देना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई पपी परचेज नहीं किया है या आपको कोई पपी परचेज करना है, आप उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो पपी परचेज करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर भी दी हुई है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पपी को अडॉप्ट करके या परचेज करके जैसे ही आप अपने घर लेकर आते हो, आते ही सबसे पहले उसे कोई खाने को कोई भी चीज नहीं देनी होती है। उसे सबसे पहले घर पर रखिए, उसको अपने आसपास के एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करने दीजिए, उसको अपने आसपास की चीजों को देखने दीजिए, फिर आप थोड़ा सा उसको पानी ऑफर कर सकते हैं। अगर वो पानी नहीं पीता है तो कोई बात नहीं है, फिर 1 से 2 घंटे बाद आप उसको खाने में कुछ ऑफर कर सकते हैं। खाने में आपको वो चीजें ऑफर करनी है जो आपको आपके ब्रीडर ने बताई हैं, जो उसको ऑलरेडी चल रही हैं। आपको सडनली कोई भी चेंज नहीं करना है, आपको कोई भी फूड अपनी तरफ से नहीं देना है। अगर आप सडन चेंज करते हैं तो उसको गैस्ट्रिक अपसेट होने के चांसेस हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके पपी को पहले से क्या डाइट चल रही है या आपका ब्रीडर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा या आपको इसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं पता, तो इनिशियली आप 2 चम्मच या 3 चम्मच कर्ड को थोड़ा डाइल्यूट करके आप उसको ऑफर कर सकते हैं। तो पपी को डाइट में क्या क्या दे सकते हैं, 40 to 60 डेज की एज के पपी को आप खाने में सिर्फ 3 चीजें दे सकते हैं। फर्स्ट लो फैट कर्ड, सेकंड पपी सेरेलैक एंड थर्ड पपी स्टार्टर डॉग फूड। कितनी क्वांटिटी में दे सकते हैं, लो फैट कर्ड को आप 10 to 15 ग्राम या 2 से 3 टीस्पून पर केजी बॉडी वेट पर डाइट के हिसाब से दे सकते हैं। पपी सेरेलैक को आप 5 ग्राम्स या 1 टीस्पून पर केजी बॉडी वेट पर डाइट के हिसाब से दे सकते हैं। पपी स्टार्टर डॉग फूड को आप 5 ग्राम्स या 1 टीस्पून पर केजी बॉडी वेट पर डाइट के हिसाब से दे सकते हैं। इसके अलावा आप पानी भी ऑफर कर सकते हैं जो कि आपको 50 ml पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। यानी अगर आपके पपी का बॉडी वेट 4 kg है तो आप उसको 40 to 50 ग्राम कर्ड पर डाइट, 20 ग्राम पपी सेरेलैक पर डाइट, 20 ग्राम पपी स्टार्टर डॉग फूड पर डाइट और 200 ml वाटर इन अ डे आप उसको ऑफर कर सकते हैं। फूड आपको कैसे देना है, कर्ड को आपको थोड़ा डाइल्यूट करके देना है। कर्ड की जो भी क्वांटिटी आप दे रहे हैं उसमें उस क्वांटिटी की आधी क्वांटिटी का पानी मिला के देना है। जैसे आप 40 ग्राम कर्ड ऑफर कर रहे हैं तो 20 ml पानी उसमें मिला के अच्छे से डाइल्यूट करके आपको ऑफर करना है। कर्ड लो फैट होना चाहिए, कर्ड ज्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, कर्ड फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए और उसमें कोई भी शुगर कंटेंट आपको ऐड नहीं करना है। कर्ड को आप ग्रेजुअली स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, कर्ड को आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। कर्ड क्योंकि कर्ड बहुत ही गट हेल्दी होता है और कर्ड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गैस्ट्रिक अपसेट नहीं होता है। पपी सेरेलैक को आप पानी के साथ मिक्स करके एक थिक सॉल्यूशन बना के दे सकते हैं। पपी सेरेलैक की जो भी आप क्वांटिटी दे रहे हैं उस क्वांटिटी के डबल अमाउंट में पानी मिला के देना चाहिए। जैसे आपने 20 ग्राम पपी सेरेलैक देना है तो उसमें 40 ml पानी मिला के थोड़ा एक थिक पेस्ट बना के आप उसको ऑफर कर सकते हैं। पपी स्टार्टर को आप 3 तरीकों से दे सकते हैं। पहला, आप उसको एस सच दे सकते हैं। दूसरा, आप उसको ग्राइंड करके सेरेलैक की तरह दे सकते हैं, या आप उसमें पानी मिला के रख दीजिए और वो थोड़ा पानी को सोक कर लेगा तो फिर आप उसको दे सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आप देना चाहें उस तरीके से दे सकते हैं, सारे ही तरीके ठीक हैं। जैसे आपके पपी को पसंद है वैसे आप दे सकते हैं। अगर आपके पपी को पपी सेरेलैक चल रहा है तो आप उसको चलने दें, आप उसके ब्रांड को भी सडनली चेंज ना करें। अगर आपके पपी को बेबी सेरेलैक चल रहा है और आप उसको पपी सेरेलैक पे शिफ्ट करना चाहते हैं, या आपके पपी को पपी सेरेलैक ही चल रहा है और आप उसका ब्रांड चेंज करना चाहते हैं, तो आपको सडनली चेंज नहीं करना है, आपको यहाँ ग्रेजुअल मिक्सिंग ट्रिक का यूज करना है। ग्रेजुअल मिक्सिंग ट्रिक में हम जो फूड दे रहे हैं और जो फूड हमें देना है दोनों को मिक्स करके देते हैं। जैसे आपको आपको 4 टीस्पून सेरेलैक देना है तो आप यहाँ 3 टीस्पून पुराना वाला फूड, 1 टीस्पून नया वाला फूड मिक्स करके ऑफर करेंगे। ये आपको 2 दिन तक करना है। उसके बाद अगले 2 दिन के लिए आप 2 टीस्पून पुराना वाला फूड, 2 टीस्पून न्यू वाला फूड मिक्स करके देंगे। फिर नेक्स्ट 2 डेज के लिए आप 1 टीस्पून पुराना वाला फूड और 3 टीस्पून न्यू वाला फूड मिक्स करके देंगे। तो ऐसे 6 डेज में ये आपकी 75% मिक्सिंग हो जाती है। 7th डे से आप उसको न्यू फूड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो वहां कोई गैस्ट्रिक अपसेट नहीं होगा, बहुत आसानी से ये फूड आपका शिफ्ट हो जाता है, यानी कि आप अपने डॉग का फूड चेंज कर सकते हैं। ये ट्रिक आप सारे फूड्स पे अप्लाई कर सकते हैं और इस ट्रिक से फूड भी चेंज हो जाता है और गैस्ट्रिक अपसेट भी नहीं होता।
अगर आप अपने पपी को पपी सेरेलेक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो यहाँ आपको ग्रेजुअल इंक्रीज ट्रिक यूज करनी है। इसमें जैसे आपको 4 teaspoon पपी सेरेलेक स्टार्ट करना है तो आप इनिशियली उसको 1 teaspoon दीजिए एंड फिर हर डाइट में फर्स्ट डाइट का 50% अमाउंट बढ़ाना है। जैसे फर्स्ट डाइट में आपने 1 teaspoon दिया, सेकेंड में 1.5, थर्ड डाइट में 2, फोर्थ डाइट में 2.5 एंड फिफ्थ डाइट में 3 teaspoon। ऐसे करते करते आप 4 teaspoon की डाइट पे आ जाइए तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा एंड इसमें कोई भी गैस्ट्रिक अपसेट नहीं होगा और फूड भी आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इस तरह का इंट्रोडक्शन आप किसी भी फूड के साथ में कर सकते हैं क्योंकि पपी जो होता है उसका गैस्ट्रिक सिस्टम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है और किसी भी सडन चेंज के लिए वो तैयार नहीं होता। वाटर को आप पपी के डाइट के साथ में अलग से बाउल में रख सकते हैं। 4 kg के पपी के लिए पूरे दिन में जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो होती है 200 ml। तो ये जो वाटर की क्वांटिटी होती है ये जो भी आप पपी सेरेलेक के साथ में या कर्ड के साथ में या पपी स्टार्टर फूड के साथ में मिक्स करके देते हैं उसके साथ इंक्लूड करके होती है। जैसे आपने कर्ड के साथ में, पपी सेरेलेक के साथ में या पपी स्टार्टर फूड के साथ में आपने 100 ml वाटर मिक्स कर दिया है तो अब रेस्ट जो क्वांटिटी वाटर की बचती है वो बचती है 100 ml जिसे आप अलग से ऑफर कर सकते हैं। कितनी बार दे सकते हैं? 40 से 60 दिन की उम्र के पपी को आप पूरे दिन में 5 से 6 बार फीड करा सकते हैं जिसमें आप 3 से 4 बार पपी सेरेलेक, 1 से 2 बार पपी स्टार्टर और 1 बार आपको कर्ड की डाइट रखनी चाहिए। अगर आप पपी सेरेलेक कम दे रहे हैं और पपी स्टार्टर फूड ज्यादा दे रहे हैं तो भी चलेगा, बस आपको यहाँ पर कर्ड की एक डाइट जरूर ऐड करके रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 60 to 90 days के पपी में फूड में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, आप उसको फूड में क्या क्या दे सकते हैं, पपी में अडॉप्शन के बारे में, फर्स्ट चेकअप के बारे में, वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, टिक्स एंड फ्ली प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो रखना है अपने पपी को हेल्दी एंड रॉयल तो फॉलो डॉक्टर शशांक गोयल। थैंक यू।